हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज की डिक्शनरी में हम जिस शब्द का मतलब देखने वाले हैं वो है ACE, जिसका पूरा नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो ACE है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्टिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कभी भी हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, तो उनमें अलग अलग दवाइयां यूज की जाती हैं। उन दवाइयों में से एक ड्रग ये भी होता है ACE इनिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो ये है क्या? जैसा कि इसका नाम है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ड्रग है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है, उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जनरली ACE हमारे लंग से रिलीज होता है और वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा तो उसके कई सारे इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। हमारे समझने के लिए पर्पस से एक एग्जांपल ले लें कि वो हमारे ब्लड प्रेशर के डायमीटर को थोड़ा छोटा कर देता है, जिससे ब्लड का जो प्रेशर है, बहने वाले ब्लड का प्रेशर, वो बढ़ने लगता है, जिससे हमको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसी को, यानी कि इसके कन्वर्जन को, एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन को 2 में होने से रोकना चाहते हैं। तो भाई 1 का 2 में कन्वर्जन कौन कर रहा है या किसकी मदद से हो रहा है? वो कर रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि ACE। तो हम ACE को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस को ACE इनहिबिटर कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टर्म था वो था ACE, जिसका पूरा नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता होगा, जिसका रोल हमको आगे जाकर के ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या किसी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को देखने में हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।